कल रात को पंजाब हुकूमत ने दफ़ा 144 का नफाज किया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी किस्म के हसास मजहबी मामलात के ऊपर किसी बहस की नशोशात की और मुबाहसे की मनाजरे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मगर आज ऐसा हुआ कि लाहौर प्रेस क्लब पे लब्बैक पार्टी के कुछ अराकीन आए और वहाँ पर पुलिस ने उनको धर लिया। उसके बाद भी कुछ जगह पुलिस बिठाई गई है और कुछ गिरफ्तारियों की खबर है। हमारे साथ लाहौर के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं शिराज हसनात। शिराज बताइए, ये अचानक क्या हुआ? प्रोफेसर साजिद मीर साहब जमात अहले हदीस के सरबराह हैं, उन्होंने अखबारात में इश्तहार दिए और उनका ये दावा था कि जो अमेंडमेंट की गई हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रसालत कानून में वो बिल्कुल भी नहीं है, और जो लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं और जो मजहबी पार्टीज़ गवर्नमेंट को कंडेम्ड कर रही हैं, क्रिटिसाइज़ कर रही हैं इस मामले पे, वो उन्हें चैलेंज करते हैं कि वो मनाजरा कर लें। और प्रोफेसर साहब ये दावा कर रहे थे कि वो इस कहीं पर भी मनाजरे के लिए तैयार हैं और वो चैलेंज करते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई अमेंडमेंट नहीं की। उसी हवाले से उनके उस एड्स की रोशनी में लब्बैक पार्टी के जो अशरफ आसिफ जलाली साहब थे, इन्होंने एक ख़त लिखा प्रोफेसर साजिद मीर साहब को और उन्हें ये कहा कि ठीक है, हम मनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं, तो आप हमें वक्त और तारीख जो है उसका तयन कर दें, बता दें कि कहाँ पर मनाजरा करना है, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ और आपसे मनाजरा कर लूँगा। और इसी तनाजर में कल जो बेसिकली हुकूमत पंजाब ने एक माह के लिए सेक्शन 144 इम्पोज़ की और ख़ास तौर पर उसमें सारे मजहबी मामलों का हवाला दिया गया था कि किसी किस्म की कोई तकरीर मनाजरा या कोई इस तरह का प्रोग्राम अरेंज नहीं किया जाएगा, वो इसी सारे बैकग्राउंडर के तनाजर में था। तो साजिद मीर साहब एंड कंपनी की तरफ से कोई जवाब ना आने पर आसिफ जलाली साहब और उनके तकरीबन कुछ अहबाब जब प्रेस क्लब पहुंचे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके बल्कि हिरासत में लेके फौरी तौर से वहां से मूव कर दिया। अब इस वक्त शहर में टेंस सूरत हाल है। जो लब्बैक पार्टी के सेक्रेटेरिएट हैं ताजबाग, वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इसी तरह जो सुन्नी पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है और दूसरी जमातें जो इनको सपोर्ट कर रही हैं और इनकी फेवर में स्टेटमेंट दे रही हैं, उनके दफातर और घरों के बाहर पुलिस नफरी तैनात है। और इसी तरह प्रोफेसर साजिद मीर का जो मदरसा है रावी पार में, वहाँ पर और उनसे उनके जो मकतबा फिक्र के हामी लोग हैं या जो उनकी सपोर्टिव अलायंस पार्टीज़ हैं, उनके मदरसों और मसाजिद के बाहर पुलिस की नफरी तैनात है। तो गिरफ्तारियाँ जो हैं वो सर एक चीज़ ये बताइए, सुन्नी तहरीक बीच में आई, उन्होंने भी एक प्रेस रिलीज़ इशू कर दी जिसमें उन्होंने कहा राणा सनाउल्ला साहब ने कुछ बातें की हैं कैप्टन सफदर के बारे में, जब उनसे पूछा गया उनकी मुतनाज़ा स्टेटमेंट के बारे में, तो बीच में सुन्नी तहरीक इस सारे मामले में कैसे आ गई? सर सुन्नी तहरीक इस सारे मामले में लब्बैक पार्टी को सपोर्ट कर रही है, वो उसके मकतबा फिक्र से एग्री करते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पहले दी से एक तरफ ब्रेलवी हैं, तो ये एक फैक्टर है जो कम से कम दोनों तरफ के सेक्ट का आमने सामने आने का है। तो एक्चुअली इसमें ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि कौन आपके सेक्ट का ज़्यादा प्रो है या आपके सेक्ट के साथ मुताबिक रखता है, उसको ज़्यादा सपोर्ट किए जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ व्हाट एक्चुअली दे आर क्लेमिंग और इंस्टेड ऑफ व्हाट दे आर एक्चुअली चैलेंजिंग ईच अदर। तो सेम केस जो है वो साजिद मीर साहब की तरफ है कि जो उनके मकतबा फिक्र के हामी जो मौलाना हजरात हैं या जो पार्टीज़ हैं या जो दीगर मजहबी तंजीमें हैं वो उनकी सपोर्ट में स्टेटमेंट दे रही हैं, और इसी वजह से जो कल 144 इम्पोज की गई थी आज उसी तनाजर में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। बल्कि इस वक्त भी जो सीएई सेंटर है जहां आसिफ जलाली साहब को उनके कुछ साथियों को रखा गया, वहां पर भी बड़ी तादाद में कुछ मदरसों के स्टूडेंट्स और कुछ उलमा हजरात बाहर मौजूद हैं, पुलिस के खिलाफ एजिटेशन कर रहे हैं। माल रोड पर भी एक मुजाहरा हमें देखने में आया, लेकिन सूरत हाल जो है सीमिंगली वो कंट्रोल में है। सर कोई इस मामले को ठंडा करने के लिए कोई हुकूमत ने कोई स्टेप उठाया है या आपके ख्याल में ये बस उन्होंने जो धरना था वो तो धर लिया? नहीं सर, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से एज सच कोई राबता नहीं किया गया, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो खास तौर पे लब्बैक पार्टी के वो थोड़े अग्रेसिव हैं, क्योंकि बिल्कुल उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और वो यही क्लेम कर रहे हैं जो उनका क्लेम है कि जी साजिद मीर साहब जो है वो भाग गए और नहीं है। साजिद मीर साहब का ये कहना है कि हमने पहले ने ये दावत दी थी कि आप तमाम अखलाकी इकदार तय करें, टाइम तय करें, वो तय नहीं हुआ, लिहाजा इस वजह से हम नहीं आए, चैलेंज हमारा बदस्तूर बरकरार है। तो गिरफ्तारी चूंकि लब्बैक पार्टी की हुई है तो वो लोग थोड़े से एजिटेशन में, दूसरी तरफ अभी थोड़ा सा सुकून है, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी इनको इनके हाल पे छोड़ा हुआ है। सिक्योरिटी अलबत्ता बहुत बीफ्ड अप की अच्छा, हुई है। बज़ाहिर जो है बज़ाहिर तो जाहिर है कि ये एक मजहबी मनाजरे का और उससे लॉ एंड ऑर्डर खतरे में पड़ने का मसला है, लेकिन मैं पॉलिटिकल हिसाब में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लब्बैक ये अगर आप ये कहें कि ये आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ चीज़ों में अपनी टांगे अड़ाना शुरू इन्होंने कर दी हैं और बाकायदा तौर पे अपनी जो पॉलिटिकल और फिजिकल प्रेजेंस है वो इन्होंने शो करना शुरू कर दिया है, तो बिल्कुल गलत ना होगा। लाइक वी आर कंटिन्यूसली रिसीविंग देयर मैसेजेस अबाउट देयर एक्टिविटीज विद इन द सिटी, सो यही हुआ है और बिल्कुल सही बात। अल्टरनेटिव भी क्या था उसे? हाँ आई मीन ये भी तो हम सोचे ना हाँ कि सही है,
आप करने देते हैं। हाँ ठीक है, अब ये वही शहर है आपको याद होगा जहाँ से अहमदी राइट शुरू भी हुई। बिल्कुल, एक लिहाज से अभी 50s की बात है। ठीक है, अगर आमने सामने आप ले आए साजिद मीर, जाहिर है कि कुछ हद तक हुकूमत की वकालत करते, राइट? अज्यूम तो यही है ना, दोनों एक मौकफ में तो नहीं, मनाजरा बैन कर देते।